हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हर एक शिफ्ट की कट ऑफ जारी हो गई है। आपको पता लग गई होगी, आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि आपका सिलेक्शन जेई एडवांस के लिए एलिजिबल आप हो गए हैं, जेई मेंस क्वालिफाई कर गए। अब आपको जेई एडवांस देना है। जेई एडवांस देना एक ट्रिकी काम है, एक स्मार्ट वर्क का काम है, ठीक है, एक दिमाग का खेल है, हार्डवर्क का नहीं। तो अब आपको क्या दिमाग से करना है, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिस पे आपको ध्यान देना है, बस उनको ध्यान देने से सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चा भी सिर्फ 70% सिलेबस करके जाता है और सिलेक्ट हो जाता है। तो आपको सिलेक्टेड टॉपिक करना है, पूरा सिलेबस नहीं करते रहना है, लेकिन जो करना है वो अच्छे से करना है, पूरी मेहनत के साथ प्रीवियस ईयर करना है और हर टाइप के आने वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, मल्टीपल चॉइस की प्रैक्टिस करना है, मैच द कॉलम की प्रैक्टिस करना है, पैसेज वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ सिंगल चॉइस करना है, यहां सारी चीजें आएंगी, लेकिन आपको पूरा सिलेबस करते रहना नहीं है। जिस पे आपकी मास्टरी है वही करना है। अब मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन श्योर आएगा, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में से तीन क्वेश्चन आएंगे लगभग, एक क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी से आएगा, एक क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये लेवल वाले, इलेक्ट्रॉन जंप करता है ऊपर नीचे जाता है, इससे रिलेटेड आएगा, जिसको अपन बोर मॉडल भी कहते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन ड्यूल नेचर से आएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो तीन क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मॉडर्न फिजिक्स सबसे पहले कर लें आप, बिल्कुल। मॉडर्न फिजिक्स में सेमीकंडक्टर वगैरह ये सब सिलेबस में नहीं है, सिलेबस की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर लें। अब बात आती है नेक्स्ट, बाईडीएससी, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बस ये अकेला ही सिलेबस में है, वेव ऑप्टिक्स में, और दूसरी चीजें सिलेबस में नहीं है। जेई मेंस के सिलेबस से बिल्कुल डिफरेंस है सिलेबस एडवांस का। तो आपको बाय डीएससी करना है, एक क्वेश्चन आपका पक्का। बाय डीएससी में आपको सारी चीज करनी है, पूरा कैलकुलेशन करना, पूरा ग्राफ करना है, सारी चीजें डायग्राम बनाना। इसके बाद बहुत ही बढ़िया टॉपिक आप देखेंगे टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसमें से हमेशा क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन हर बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया कि अगर ग्रीन लाइट जो क्रिटिकल एंगल पर है तो बाकी कलर का क्या होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोस्टेट्स। इलेक्ट्रोस्टेट्स में से आपको क्या कूलम्स लॉ वगैरह ये सारी चीजें तो करनी है, इसके अलावा क्वेश्चन कहां से आएगा, गॉस थ्योरम और कैविटी, जो कंडक्टर के अंदर कैविटी होती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, उससे क्वेश्चन आता है, बिल्कुल श्योर। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द बैटरी अच्छे से करें, इस पे आईआईटी बिल्कुल क्वेश्चन पूछ रही है। अब इसके अलावा केबीएल केसीएल, लेकिन दोनों में करना है, कैपेसिटर में भी करना है और रेजिस्टेंस में भी, ध्यान से करना है। एक चीज ध्यान रखें, अगर आप बिल्कुल श्योर चाहते हैं तो कैपेसिटर चार्ज होने के बाद दोबारा कनेक्ट करने पर क्या होता है, मतलब चार्ज चार्ज कैपेसिटर कनेक्ट करने पर सेम पोलरिटी, अपोजिट पोलरिटी, ये बिल्कुल फेवरेट टॉपिक आईआईटी का, यहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान देना है नेक्स्ट टॉपिक कौन सा, एसी, एसी पे ध्यान देना है, एसी को अच्छे से करना है। इसके अलावा रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, ये थोड़े टफ टॉपिक, अब मैं आपको टफ टॉपिक बता रहा हूं, लेकिन यहां से तीन क्वेश्चन तक आ सकते हैं, दो से तीन, रोटेशनल मोशन से, इसमें रोलिंग से क्वेश्चन आता है, एक एक क्वेश्चन एमआई से, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से आता है, और एक क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड आता है जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इस वाले टॉपिक से आता है। फिर फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स लेकिन आप तो तभी बनेगी जब आपने मैकेनिक्स अच्छे से की हो, फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं तो नहीं बनेगी। फ्लूइड मैकेनिक्स में बर्नौली थ्योरम से क्वेश्चन आएगा, टोरिसोली थ्योरम से क्वेश्चन आएगा, ये सारी चीजें। अब मैं फिर से आसान पे आ जाता हूं, आसान आपके लिए पड़ेगा थर्मोडायनेमिक्स, यहां से दो से तीन क्वेश्चन आएंगे, थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोमेट्री, एक्सपेंशन वगैरह ये सब चीजें। थर्मोडायनेमिक्स में पूरे गैसियस, सिर्फ आइडियल गैस है, और सबसे अच्छा फायदा फिजिक्स का ये, आइडियल गैस बिल्कुल आसान, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हमेशा वैलिड रहेगा। बेप्स और ऑसिलेशन, देखिए ऑसिलेशन से टफ आएगा, बेप से आसान आएगा, तो पहले बेप्स करें, बेप से हमेशा डॉपलर इफेक्ट से आ जाता है, ठीक है। तो इतना टॉपिक्स आप अच्छे से करें, आप हमारे चैनल पर जल्दी ही इन टॉपिक्स के वीडियो भी डाले जा रहे हैं, बिल्कुल प्रीवियस ईयर के सोल्यूशन भी, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें तो वहां से आपको ये सारे प्रीवियस ईयर सोल्यूशन बुक सारी चीजें मिल जाएंगी। इसके अलावा जो भी बच्चे जेई मेंस में नंबर को परसेंटाइल या रैंक में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, वो आप मोबाइल नंबर आपको दिख रहा है व्हाट्सअप कर दें, आपको पूरी डिटेल भेज दी जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों को काउंसलिंग में समझ में नहीं आ रहा है,
कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, नहीं मिलेगा, कौन सा एनआईटी मिल पाएगा, तो वो सारी चीजें हमारा चैनल आपको प्रोवाइड करेगा असेसमेंट, इसमें फ्री ऑफ द कॉस्ट कंप्लीट डिटेल कि किस रैंक पर कौन सी एनआईटी मिलेगी और कौन सी आपको लेना चाहिए, कौन सी एनआईटी बेस्ट है, किस एनआईटी में कौन सी ब्रांच बेस्ट है, किस एनआईटी का प्लेसमेंट बेस्ट है, सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी हमारे चैनल पर। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक करें और लगातार जुड़े रहें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, टेलीग्राम पर भी आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, या बिग बी या फिजिक्स जो है वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं, या मोबाइल नंबर पे कर सकते हैं। बिल्कुल आप तुरंत जो है कनेक्ट हो जाएं चैनल के साथ, हमारे टच में आ जाएं, आपको लगातार पूरी नॉलेज इस चैनल पर मिलती रहेगी लगातार। ठीक है, थैंक यू।